So hey, what's up, Artist Army? Welcome back to another video, another review video. So guys, in this video, we are going to review about a Brewstro kneadable eraser, या फिर हम बोल सकते हैं clay eraser, ठीक है? हम इसको kneadable eraser इसलिए बुलाते हैं क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता, ठीक है? मुझे भी find करना है. So मैंने खरीदा इसको Amazon से, ठीक है? और इसका जो मार्केट प्राइस है वो कुछ 260 रुपीस ऐसे कुछ है, ठीक है? लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, हमेशा देता हूँ, जाओ जाकर चेकआउट करो, चेक मारो यार, ठीक है? और अच्छा लगे तो उसको परचेस कर लेना. सो ये है उसका मतलब आउटलुक, ठीक है? Brewstro का देख सकते हो kneadable इरेजर, ठीक है? ओके, आर्ट इरेजर करके है, ओके. सो काफ़ी अच्छा पैकिंग भी है, सेफ है, ठीक है? मैंने मुझे अगर मैं इसको परचेस किया तो मुझे मिला एक, दो मिला मुझे, तीन मिला मुझे, चार, पांच एज वेल एज सिक्स जो है इसके अंदर मैं इसको सेव करके रखा हूँ, ठीक है? बिकॉज मेरे पास जो पहला मैं kneadable eraser यूज करता था वो ये है, ठीक है? इसकी कंपनी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, ठीक है? मैंने इसको वन ईयर यूज किया, वन ईयर चल रहा था और बिफोर थ्री मंथ्स इसका एक्सपायरी डेट आ गया, पता है? बिकॉज अब इसको क्या करो ना, अगर आप इसको ऐसे ऐसे करते हो तो अच्छे से होता है, ठीक है? अच्छे से होता है, लेकिन क्या होता है डिसएडवांटेज, आपके हाथ में ना चिपचिपा कर देता है, ठीक है? बिकॉज kneadable इरेजर है ना, उसके अंदर ऑयली होता है, ठीक है? कि अगर वो ऑयल किसी तरह निकल गया, पानी कुछ भी, तो क्या होता है ना, डेफिनेटली आपका अजीब सा एक बोल सकते हैं ड्रॉइंग में यूज करने रहता है. सो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम फेंक देंगे, गया, ठीक है? सो अभी जो मैंने लिया है वो है ये, ठीक है? kneadable इरेजर, अजीब सा लग रहा है, निकल चिपक गया है, एक निकाल दो, देखो ना गाइस, ओके. सो पता नहीं इतना स्टिकी कैसे, देखो अब मैंने इसको यूज भी कर लिया, ठीक है? सो मैंने इसको यूज किया, काफी अच्छा रिजल्ट आया, थोड़ा टाइट है, ठीक है? कुछ हवा लगता है तो डेफिनेटली टाइट हो जाता है. सो ये है Brewstro का kneadable eraser, ठीक है? Brewstro कंपनी का है, काफी सारी कंपनी मार्केट में मिलती है लेकिन Brewstro काफ़ी सही है, ठीक है? और एक था डरविंड का, उसका मैंने देखा था रिव्यू, तो उतना मतलब हम बोल सकते हैं अच्छा नहीं था. उन्होंने क्या किया था ना, बाइक परचेस कर लिया था, जैसे उन्होंने इसको प्रेस करने की कोशिश किया वो पीसेस में नीचे गिर गया. सो वो डेफिनेटली हमारे साथ नहीं होना है और आपके साथ भी ना हो, इसलिए मैंने इसको खरीदा. और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से ये, आप देखो ना, बार बार जब इसको करोगे ना तो डेफिनेटली ये स्मूथ होता जाएगा, ठीक है? और थोड़ा टाइट है. सो अगर आप इसको परचेस करते तो आपको मिलेगा टोटल 6, ठीक है? इसको इंक्लूड करके 6 kneadable इरेजर, जो काफ़ी सही है यार, ठीक है? हम मेरे पास पहले एक हो गया. सो मेरे पास पहले एक था ना, सो उसको मैं किसी तरीके से हम यूज़ करते थे, लेकिन मेरे पास अब 6 है तो कोई भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है, 5 साल चल जाएगा. अगर आप इसको अच्छे से यूज़ करते हो देन डेफिनेटली ये आपके साथ ना 5 साल तक नहीं छोड़ता आपका साथ, लिटरली बहुत ही अच्छा दोस्त है. और हाँ, सारे आर्टिस्ट का सबसे हम बोल सकते हैं फेवरेट इरेजर है, ठीक है? सो Brewstro का है, जाकर परचेस कर लो, ठीक है? कंपनी भी आपको पता ही होगी यार, कंपनी काफ़ी अच्छी है, कंपनी का माल है तो बवाल है बोल सकते हैं, ठीक है? सो काफ़ी सही है, आप इसको जाके परचेस करो, ठीक है? सो अभी हम करेंगे इसका यूज़ करके देखेंगे कि भाई कैसा ये है, ठीक है? कहाँ कहाँ यूज़ होता है, किस तरीके से यूज़ होता है. आप देख सकते हो मैंने इसको इतने बार किया, ठीक है? मेरे मतलब हाथ में ना एकदम चिपचिपा ही नहीं है, ठीक है? मतलब बोल सकते हैं स्टिकी टाइप का नहीं है, एकदम सही है, सही यूज़ हो रहा है, ठीक है? अगर आपको नहीं पता कैसे यूज़ किया जाता है, सो अभी मैं वीडियो बना दूंगा. बाय द वे मैंने एक वीडियो बना लिया है, बेस्ट इरेजर फॉर ऑल, ठीक है? या फिर बिगनर्स का हम बोल सकते हैं. सो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाओ जाकर चेक मारो, ठीक है? सो अभी हम करते हैं इसका, देखते हैं ड्रॉइंग मैंने किया है, ठीक है? उसके ऊपर हम इसको चेकआउट करेंगे और आपको बोलूँगा कि इसको कहाँ यूज़ किया जाता है, ठीक है? सो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं असली प्रैक्टिकल, और थियरी को हम साइड में करते हैं, ओके? सो चलो. सो गाइस, आप देख सकते हो ये है कुछ 6 इरेजर्स Brewstro का, ठीक है? एक मैंने निकाल दिया था जैसे मैंने आपको पहले ही बोल दिया, बाकी जो ये है, ठीक है, पैकिंग के साथ है अमेज़ॉन से. और हाँ गाइस, इस इरेजर को ना आप ग्राफाइट में यूज़ कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद चारकोल में यूज़ कर सकते हो, साइड में करते हैं, ओके? सो अभी हम अच्छे से आपको दिखाते हैं. सो ये है Brewstro का, देखो ना कितना अच्छा Brewstro का मतलब एकदम डिज़ाइन से लिखा हुआ है, ठीक है? उसके बाद kneadable इरेजर, आर्ट क्लीनर, और पीछे देखो तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर. ओपन करना है तो आप इसको ओपन कर सकते हो भाई, अब अनबॉक्सिंग तो कर नहीं सकते हम लोग, ठीक है? क्योंकि मैं पहले से एक निकाल चुका हूँ. सो एनीवे, देखो आपको यहाँ से ऐसे करके ना ऐसे इसको पील आउट करना है, दैट्स ऑल, ठीक है? अब हम चलते हैं जो हमने निकाला है, आप देख सकते हो, ठीक है? देख सकते हो ना कैसा है ये, मतलब एकदम सही है. हम इसको क्ले इरेजर इसलिए बोलते हैं बिकॉज एक क्ले की जैसे एक्ट ही करता है, ठीक है? बस ये है कि इरेजर का काम करता है, ठीक है? आप इसको चाहे जिस शेप में चाहे उस शेप में आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है? देखो ना, इसमें आप चेंज कर सकते हो. उसके बाद नहीं तो आप बस इसको ऐसे नीचे ऐसे थोड़ा सा गोला गोला बना के
नीचे का पार्ट आप यूज़ कर सकते हो इसको टैप करके, नहीं तो आप ऐसे छोटी छोटी डिटेलिंग्स के लिए इसको यूज़ कर सकते हो, जो काफ़ी सही है। ठीक है, सो आप देख सकते हो ब्रूस्टर का काफ़ी सही है, आप इसको ही लो, परचेस करना है तो ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, जाओ जाकर वहाँ चेकआउट मारो यार। ठीक है, सो आप देख सकते हो कितना सही है। ठीक है, हाँ, और हाँ इसको ऑयल और वाटर से थोड़ा बचा लीजिएगा। ठीक है, देखो ना आप जब इसको ऐसे करते जाएंगे ना तो डेफिनेटली क्या होगा कि एकदम स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये हम इसका किसी भी शेप में कर सकते हैं, बस आप क्या करो ना, हाँ भले ही ये देखने में खेलने की चीज़ लगी हो, टॉय लग रहा हो, लेकिन एक्चुअली में अगर आप इसको खेलोगे ना पूरा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको ओल्ड वाला दिखाता हूँ, ओल्ड और इसमें क्या डिफरेंस है। सो गाइस आप देख सकते हो ये है मेरा ओल्ड वाला। ठीक है, ये ओल्ड वाला है और ये न्यू वाला है, इससे थोड़ा ज़्यादा ब्लैक है। ठीक है, और ये हम बोल सकते हैं ये सही है। ठीक है, एक तरीके से हाँ इसका शेप भी अच्छे से निकल रहा है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ना, अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद देखो ना एक तरीके का चिपचिपा हो जाता है। ठीक है, आपको मैं यहाँ ही करके दिखाता हूँ, देखो देख रहे हो ना कलर छूट रहा है इसका, देख सकते हो ना, ये देखो, ये देखो ना, ये आपको रिप्रेजेंट करता है कि ये बेकार है। और ये अगर हम देखते हैं, देखो ना कहीं भी नहीं चला। ठीक है, ये इसका है और ये इसका है, देखो कहीं भी हम बोल सकते हैं कुछ भी नहीं छूटा, एकदम अच्छे तरीके से, ये एकदम अच्छी तरीके से आप देख सकते हो ना, कहीं भी नहीं निकल रहा। लेकिन ये बस देखो ना, इसको ऐसे रख भी दो तब भी निकल जा रहा है। सो इसका मतलब ही क्या है, ये बहुत ही बेकार है। ठीक है, इसको मैंने बहुत, मतलब क्या बोलते, पानी, मेरी दीदी क्या करती ज़मीन पे इसको लेके ऐसे ऐसे गोला गोला बना के, मेरे पापा इसको अलग शेप में ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके मुझे देते थे। सो ये सब होने के कारण थोड़ा ख़राब हो गया। बाकी तो यार ब्रूस्टर का अगर आप कोई भी क्लियर रिजल्ट लो, अच्छे से उसको एक बॉक्स में आप प्रिजर्व कर लो। ठीक है, बॉक्स में आप प्रिजर्व कर लो, उसको अच्छे से ऐसे करके आप इसको अच्छे से रख सकते हो। ठीक है, बस इतना ही काम, इसको अच्छे से रखो, सेपरेट रखो कि कोई और इरेजर के साथ मत रखो। ठीक है, सो अभी हम करते हैं ड्राइंग के ऊपर थोड़ा, इसको कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, और जो ड्राइंग है वो है ये वाला, पूरा नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, सो आप इंस्टाग्राम में अगर मुझे फॉलो करते तो आप वहाँ देख सकते हो। सो बस यही है क्लेरजर के बारे में, 6 पीसेस है। सो गाइज आप देख सकते हो, ठीक है, ये वाला मैं ड्राइंग कर रहा था, मैं आपको पूरा नहीं दिखाऊंगा, इंस्टाग्राम में मैंने स्टोरी डाली है। ओके, आप जाओ वहाँ चेकआउट कर लो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो। सो एनीवे, ये है हमारा ड्राइंग। ठीक है, इस जगह पे मैं यूज़ करने जा रहा हूँ क्ले इरेजर का। ठीक है, जो आप देख सकते हो, ठीक है, इसका हम यूज़ करेंगे। अब किस जगह पे यूज़ करेंगे मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखो, इस जगह पे कंपेयर करो और इस जगह पे कंपेयर करो, कितना डिफरेंस दिख रहा है, देख रहे हो ना वाइटनेस का, मतलब छोटा छोटा जो एरिया है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला जो छोटा छोटा है, इसके कंपेयर से इतना वाइट नहीं है। ठीक है, सो हम इसको वाइट करेंगे। यहीं अगर आप मान लो ये वाला इरेजर यूज़ करते तो हम बोल सकते हैं एकदम प्योर वाइट आ जाता है, लेकिन यहाँ प्योर वाइट नहीं है, फ़ोन में ऐसा दिखा है लेकिन लिटरली प्योर वाइट नहीं है। तो आपको ना डार्क से थोड़ा कम लेयर, मतलब लाना है। ठीक है, तो तभी आप यूज़ करोगे इसका क्ले इरेजर का। ठीक है, ब्रूस्टर का ही है। सो अभी ये शेप में है, इसको हम शेप चेंज करते हैं। ठीक है, चलो ओके गाइस, तो मैंने इसको इस शेप में चेंज कर लिया है, देखो ना। अब हम करेंगे एक एक पार्ट जो हमें वाइट चाहिए, हम उस पार्ट को करेंगे। ठीक है, सो अभी चलो शुरू करते हैं। सो गाइज, एज यू कैन सी हियर, हमें एक एक लेयर बाहर निकालना है। ठीक है, ना कि एकदम प्योर वाइट चाहिए, प्योर वाइट हमें नहीं चाहिए, हमें एक एक लेयर निकालना है। अगर हमें एक एक लेयर करके शेडिंग को बाहर निकालना है तब हम क्ले इरेजर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और आप देख सकते हो मैं किस तरीके से उसको उस एरिया पे मैं उसको टैप कर रहा हूँ, जस्ट टैप कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। देखो ना कैसे टैप कर रहा हूँ, बस टैप करो उस जो भी पर्टिकुलर प्लेस है उस जगह पे, आप क्या करो उसका शेप चेंज कर दो, दैट्स ऑल। उसके बाद आप इरेज कर सकते हो, नो इशू। ठीक है, सो बस इतना ही इसका यूज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सो अभी हम इसको थोड़ा स्पीड बढ़ा देते हैं। बाकी और जो डिटेलिंग्स हैं उसको बाद में भी कर सकते हैं। अब इस जगह पे चाहिए तो हम इसको एकदम फ्लैट कर लेंगे। ठीक है, एकदम प्रेस करके हम देख सकते हैं फ्लैट कर लेंगे हम इसको। उसके बाद हम इसको ऐसे करके इस जगह पे, जिस जगह पे हमें चाहिए उस जगह पे हम इसको एकदम निकालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ चाहिए तो हम इसको यहाँ निकाल लेंगे। ठीक है, बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके बारे में। ठीक है, सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब चलो कुछ करते हैं, फेस टू फेस बातें। इसमें थोड़ा ऑयल लग गया था, तो अगर ज़्यादा ऑयल लगेगा तो तब भी ये ख़राब हो सकता है। ठीक है, ऑयल
या फिर वाटर, ठीक है। तो इसका मतलब अजीब सा लगेगा, ठीक है। सो चलो करते हैं कुछ बातें। सो गाइस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस। देखो ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकते हैं, लाइक अनबॉक्सिंग करें, उसका रिव्यू दें, ठीक है, बिकॉज इट्स जस्ट अ इरेजर, ठीक है। कमिंग टू द पॉइंट, काफ़ी अच्छा इरेजर है, ब्रूस्टो का है, ठीक है, कंपनी का भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, जाओ जाकर चेकआउट करो, ठीक है। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना यार, बिकॉज अगर ये आपको थोड़ा हेल्पफुल है देन डेफिनेटली जो नेक्स्ट वीडियो अपकमिंग वीडियो होगी तो आपको कुछ ज़्यादा ही हेल्पफुल होगा। सो उसके लिए वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना यार, वीडियो को लाइक करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टेक केयर, लव यू सो मच, बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप डूइंग रियलिस्टिक, कीप वॉचिंग अक्षर दुबे आर्ट्स।